दोस्तों आपको क्या लगता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये जो सीरियल आता है इसे बंद कर देना चाहिए या चलते रहने देना चाहिए, क्योंकि इस शो को वो टीआरपी नहीं मिल रही है। जब टीआरपी नहीं मिलती तो इसको लेकर तरह तरह की बातें होने लगती है। कभी इस शो में काम करने वाले जब तक काम करते रहते हैं सब तब तक ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही शो छोड़ने वाले होते हैं या छोड़कर जाते हैं तमाम तरह के आरोप जो है वो असित मोदी के ऊपर लगा दिए जाते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, सैलरी रोक ली, पैसे रोक लिए, मारपीट कर लिया, गाली गलौज कर ली, इंसल्ट कर दिया, तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं जिसका रिजल्ट बाद में निकलकर कुछ भी नहीं आता है। अब बचा कोई नहीं है, सारे पुराने किरदार एक एक करके निकल चुके हैं, ले देकर बापूजी, जेठालाल, भिड़े मास्टर और उसके बाद माधवी भाभी, यही वो लोग जो है बचे हुए हैं, बाकी सब तो निकल ही चुके हैं, सब नए हैं और एक बागा भाई साहब। तो अब कहानी ये आ रही है कि जेठालाल ने असित मोदी का कॉलर पकड़ लिया और दोनों के बीच में तनातनी हो गई थी, शायद एक आध थप्पड़ एक दूसरे को लगाया भी हो। ऐसा कहा जा रहा है कि जेठालाल ने असित मोदी को मार दिया। अब इन खबरों में कितनी सच्चाई है वो तो नहीं पता, लेकिन जेठालाल खुद ये कह रहे हैं कि ये सब महज एक अफवाह है। कहाँ से ये उड़ती है, क्यों उड़ती है, क्यों उड़ाई जाती है हमें नहीं पता, हम उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और जांच पड़ताल करके मिलेगा भी क्या। कहानी ये सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में चर्चा का विषय ये बनी हुई है कि जेठालाल जो है अगस्त के महीने में छुट्टी मांग रहे थे कि भैया हमको कहीं घूमने जाना है, छुट्टी दे दो। तो असित मोदी से कुछ कहा सुनी हो गई, बोले कि हम छुट्टी देंगे नहीं, तुम्हारे बिना सीरियल चलेगा नहीं। तो उसी गुस्से में जेठालाल ने असित मोदी का कॉलर पकड़ लिया कि कैसे नहीं देगा भाई छुट्टी, तू लीड एक्टर हूँ, मेरे बिना ये शो चलेगा ही नहीं। तो ऐसी ऐसी कहानियां मनगढ़ंत कमेंट सेक्शन से लेकर लोग मजे ले रहे हैं। दूसरी कहानी ये बताई जा रही है कि जो कुश शाह थे यानी कि गोगी, डॉक्टर हाथी के बेटे, ये शो छोड़कर, गोगी नहीं यार, गोगी तो ये थे, कुश शाह जो क्या नाम है यार, उसका नाम ही याद नहीं आ रहा है, डॉक्टर हाथी के बेटे का, तो वो शो छोड़ के जा रहा था और इसी में कुछ कहा सुनी हो गई दोनों के बीच में और वहां से बात बिगड़ गई जिसको छुड़ाया गया वहां के मैनेजमेंट के जरिए। गोली गोली गोली, देखो याद आ गया, दिमाग मेमोरी एकदम कम हो गई है हमारी, बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। तो उसके बाद एक दो बार और झगड़ा हुआ था जेठालाल और असित मोदी का, तो उसमें गुरचरण सिंह सोढ़ी ने छुड़ा दिया था, वही सोढ़ी साहब जो दो चार महीने गायब हो गए थे, किसी पर्वत वगैरह पर जाकर तपस्या वगैरह कर रहे थे। इस तरह की तमाम चीज़ें होते रहती हैं। मुझे लगता है कि ये शो अब बंद कर देना चाहिए, शो में वो पहले जैसी बात नहीं रह गई है, जबरन खींचा जा रहा है, इसके जगह पर असित मोदी अगर कुछ और लेकर आए तो ज़्यादा बेहतर होगा।